ब्राह्मण समाज के लोगों ने मनाई परशुराम जयंती। इस मौके पर किया झंडारोहण। अजमेर सांसद रघु शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल। ब्राह्मण एकता के लगाए नारे। शाम को होंगे कई कार्यक्रम। परशुराम सर्किल पर आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने परशुराम जयंती मनाई, साथ ही झंडा भी रोहन किया गया। इस मौके पर अजमेर सांसद रघु शर्मा भी मौजूद रहे। सभी समाज के बंधुओं ने सर्किल पर परशुराम जयंती के मौके पर पाठ पूजा की, साथ ही हवन भी किया गया। शाम को जयंती के मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। परशुराम भगवान की हम सब संतानें हैं और हमारे आराध्य देव का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन को पूरा ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज पूरे धूमधाम के साथ आज पूरे देश के अंदर मना रहा है। भगवान परशुराम के बारे में विष्णु के वो छठे अवतार थे और उनके नाम से ही परश पौरुष और राम 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 भी उसमें समाहित थे। भगवान शिव और विष्णु दोनों जिनमें प्रतिलक्षित होते हैं, ऐसे हमारे भगवान परशुराम हैं। तो आज उनकी जयंती है और इस जयंती पे हम उनको याद कर रहे हैं सब लोग और ब्राह्मण एकता को एक सूत्र में पिरोने की भी सारे देश भर में कोशिश हो रही है कि जो अलग अलग विभाजित हो रहे थे समाज के लोग, वो सब इकट्ठा हों, समाज की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें, आने वाली पीढ़ी को का भविष्य सुधरे जिससे और समाज एक एकजुट रहे। हम परशुराम जी के सारे वंशज हैं, अलग अलग क्यों रहे। जी हाँ, आज का क्या प्रोग्राम क्या है? सभी शहरवासियों को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई, मंगलमय कामना। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव समारोह परशुराम सर्किल पर समाज के सैकड़ों बंधु बड़ी धूमधाम से उत्साह के साथ मना रहे हैं। अभी झंडारोहण होगा, अभी साथियों ने हवन वगैरह किया है, अब झंडारोहण वगैरह होगा। माननीय सांसद महोदय झंडारोहण करेंगे। संत श्री पाठक जी महाराज द्वारा वेद पाठ मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजा पाठ शुरू होगी। इस प्रकार से शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर उसके बाद आतिशबाजी, प्रतिभा सम्मान समारोह और फिर भोजन प्रसादी के बाद ये कार्यक्रम पूर्ण होगा। जय सिया राम। आज इस परशुराम जयंती के महोत्सव में मैं भी एक आहुति देने पहुंचा हूं। आज परशुराम जयंती पे अवसर पे मैं यही कहूंगा, याद रखना परशुराम मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण वो होता है जो समाज में ज्ञान बांटता है। ब्राह्मण वो है साहब जो समाज को सुलझाए उलझाए। ब्राह्मण वो है जो समता से काम करता है। ब्राह्मण वो, ब्राह्मण का तो तेज ही साहब काफी है। इसलिए मेरा विनम्र प्रयास है परशुराम जयंती मनाओ, सब मनाओ, लेकिन लेकिन कहीं पर भी अविवेक ना हो। अविवेक से नहीं, पूरी विवेकता से ब्राह्मण को शोभे ऐसे कार्यक्रम इस दिन आयोजित हो, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि ब्राह्मण वो व्यक्तित्व है जो समाज को सुलझ जाता है। ब्राह्मण ज्ञान का भंडार है। वो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, और आप परशुराम जी का जीवन चरित्र देखिए साहब, पूरा जीवन चरित्र देखिए आप साहब। उन्होंने ज्ञान से, विवेक से, समय समय पर केवल परशु नहीं उठाया है, जरूरत पड़ी तब उठाया और विवेक से वो परशु भगवान राम के चरणों में समर्पित भी कर दिया कि अब इस परशु की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करूँ आपके माध्यम से, जो आज मुझे मौका मिला है, कि परशुराम जयंती के दिन केवल परशुराम के परशु को देख के काम मत करना, उसके विवेक को देख कर भी ब्राह्मण समाज को काम करना चाहिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामना, सभी को जय श्री राम।